ब्रिस्बेन इंटर कॉलेज से मैं नीता मिश्रा कक्षा 9 के विद्यार्थियों को हिंदी विषय का गद्य खंड से पाठ पढ़ा रही हूँ। गिल्लू, इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ लेखिका हैं और छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। भक्ति काल में जो स्थान मीराबाई का था, वही आज महादेवी वर्मा को प्राप्त है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। महादेवी जी के पिता एक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर सुशोभित थे और नाना ब्रजभाषा के कवि थे। इन सब के प्रभाव ने महादेवी को एक सफल प्रधानाचार्य एवं भावुक कवित्री बना दिया। संस्कृत से एमए करने के पश्चात ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। सन 1965 ईस्वी में इन्होंने इस पद से अवकाश प्राप्त किया। इनकी साहित्य सेवा के लिए सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। सन 1983 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और भारत भारती पुरस्कार देकर सरकार ने इन्हें सम्मानित किया। आजीवन साहित्य सेवा करते हुए ये अपना गौरवमय व्यक्तित्व बनाकर 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को परलोकवासी हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, निबंध लिखे, संस्मरण लिखे, रेखा चित्र लिखे, आलोचनाएं लिखी, काव्य रचनाएं लिखी। अब इनके निबंध संग्रह में कौन कौन से हैं? श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, क्षणदा, अबला और सबला, संस्मरण में स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार। इन संस्मरणों और लेखकों के साथ इनके ममतामयी हृदय के दर्शन होते हैं। आलोचना, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य और काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांधे गीत, यामा और दीपशिखा। इनकी रचनाओं में जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये गिल्लू मेरा परिवार से संकलित है। गिल्लू एक ऐसी रचना है जो रेखा चित्र का है, लेकिन पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जैसे सचमुच ऐसी घटना महादेवी के साथ हुई थी। अब आते हैं पाठ की ओर, देखते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास इस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की है। अभी देखिएगा इसके आगे लघु प्राणी क्या है। परंतु आज वह अब तो वह इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी में होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। ये बात हो रही है एक गिलहरी के छोटे बच्चे की। सोनजूही का जो पीला जो गमला लगा हुआ है उसमें पीली कली लगी है। महादेवी वर्मा अपने उस छोटे से बगीचे में जहाँ विभिन्न प्रकार की बेल और लताएं लगी हुई थी, पौधे लगे हुए थे, वहाँ पर उन्होंने जब वो कली को देखती हैं तो अचानक उन्हें उस जीव का स्मरण हो आता है जिसे उन्होंने यहीं से पाया था। अब किसे पाया था ये आगे है, लेकिन हम आपको बता देते हैं वो गिल्लू था। आज वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने इस गिल्लू को, इसके मृत शरीर को इसी गमले के पास जहाँ उन्होंने पाया था उसी मिट्टी में दफना दिया था। आज पीली कली जब देखती हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये पीली कली उसी गिल्लू की आत्मा के रूप में फिर से हमें दिखाई दे रही है। उसके बारे में सोचती हैं कि वो कूदता था, मेरे कंधे पर कूद जाता था, तब मैं यहाँ पर, पहले जब गिल्लू नहीं मिला था तब मैं यहाँ पर कलियाँ देखने आती थी, लेकिन अब कली के बहाने मैं गिल्लू को देखने के लिए आती हूँ। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछूत जैसा खेल खेल रहे थे। ये काग भूषुंडी भी विचित्र पक्षी हैं, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। लेखिका क्या कहती है कि एक दिन की घटना है कि अचानक मैं जब सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा तो यहाँ क्या देखती हूँ मैं कि दो कौवे हैं, वो आपस में
ऐसा लग रहा है कि छुआ छुअल का खेल खेल रहे हों, यानी आप लोग भी खेलते होंगे कि तुम मुझे छुओ मैं तुम्हें छूँ, इस तरीके से वो खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये छुआ छुअल का खेल खेल रहे हैं। ये काकभुशुंडी यानी कौवे, ये कौवे भी विचित्र पक्षी हैं, क्योंकि इन्हें बड़ा सम्मान भी एक साथ मिल जाता है, इनका अनादर भी हो जाता है और अति सम्मानित भी हो जाते हैं और अत्यधिक अपमानित भी हो जाते हैं। अब कैसे सम्मानित होते हैं, कैसे अपमानित होते हैं, आगे देखते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के, उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी जब अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है, और दूसरी ओर हम कौवा काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। क्या कहती हैं कि जब पितृपक्ष आते हैं तो पितृपक्षों में क्या होता है कि जब हम श्राद्ध करते हैं तो श्राद्धों में भोजन निकालते हैं जिसमें कौवे को भी एक अंश दिया जाता है, तो इस तरीके से उसे बड़ा सम्मान मिलता है। लेखक कहती है कितनी विचित्र बात है कि हमारे जो पूर्वज हैं ना गरुड़ के रूप में धरती पर आते हैं अपना भोग ग्रहण करने के लिए, ना मोर के रूप में, ना हंस के रूप में, बेचारों को कौवे के रूप में ही आना पड़ता है। और दूसरी तरफ क्या है, तब उनको सम्मान मिलता है। दूसरी तरफ सम्मान कब मिलता है, जब कौवा मुंडेर पर बैठ कर काँव काँव बोलता तो हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि हमारे घर कोई आने वाला है, तब भी हम उसे सम्मान देते हैं। लेकिन जब कौवा अनावश्यक काँव काँव करता है तब हम उसे अपमानित करते हैं, उसे उड़ा देते हैं। तो लेखक कहती है मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। ये सब सोच रहे थे कि अचानक बाधा आ गई। क्या बाधा आ गई, क्योंकि गमले और दीवार की संधि यानी बीच में एक छुपे छोटे से जीव की ओर मेरी दृष्टि रुक गई। जब उन्होंने गिल्लू को पाया था उस समय की घटना की बात कर रही है, वास्तविकता में उन्होंने कोई गिल्लू पाया नहीं था, ये सिर्फ उनकी एकमात्र कल्पना है कि ऐसा उनके जीवन में घटित हुआ, परंतु घटित नहीं हुआ है। रुक जाती, निकट जाके देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसे सुलभ आहार के खोज कर रहे हैं, यानी जो दो कौवे लड़ रहे थे आपस में, छुआ छुअल जैसा खेल दिखाई दे रहा था वो वास्तव में खेल नहीं था, वो सिर्फ क्या था, उस गिलहरी के छोटे बच्चे को खा जाने की एक उपक्रम था, प्रक्रिया थी जो दोनों कौवे आपस में कर रहे थे, यानी वो पहले पाना चाहता था और वो पहले पाना चाहता था। ये बात महादेवी जी को तब समझ में आई जब उन्होंने उस गिलहरी के बच्चे को देखा। काकद्वय में का मतलब दोनों कौवे, द्वय दो, दोनों कौवे की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राणी के शरीर पर बहुत थे। उन लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी जिससे उसके चोंचों के आघात उसके शरीर पर पड़ गए थे। वो निश्चेष था, गमले में से चिपटा पड़ा था। अब छोटा बच्चा था, वो गमले से चिपट गया था अपने आप को बचाने के लिए। सबने कहा कि कौवे का चोंच घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। लोगों ने अपने विचार प्रकट किए, लेकिन महादेवी जी क्या कहती हैं, परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। पेंसिलिन एक दवा होती है जो घाव पर लगाई जाती है। उन्होंने उसको घाव को पोंछा और उस पर पेंसिलिन लगा दी। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुँह में लगाई। अब वो दूध तो पी नहीं सकता था, छोटा बच्चा था, दूध उपलब्ध कहाँ से होता, वो माँ के दूध पर निर्भर था, इसलिए उन्होंने रुई की एक बत्ती बनाई और उसे दूध में भिगो करके उसके मुख में डाली जिससे उसके मुख में दूध जाता रहे, पर मुंह ना खुला। दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई, वो मुंह भी नहीं खोल पा रहा था, इतना छोटा बच्चा था। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुँह से एक बूंद पानी टपकाया जा सका। बहुत कोशिश करने के बाद उसके मुँह में पानी टपकाया गया। तीसरे दिन वो अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। जब कई घंटे उपचार किया गया तो तीसरे दिन जाकर के वो स्वस्थ हुआ और उसने अपने पंजों से महादेवी जी की उंगली को पकड़ा। 3-4 महीने में उसके शरीर के ऊपर रोएं आ गए। इसका मतलब है जिस अवस्था में उन्होंने पाया था उसके शरीर पर बाल भी नहीं थे। अब पूंछ कैसी हो गई, झब्बेदार। गिलहरी की पूंछ आपने देखी होगी, बड़ी झबरीली सी होती है और आंखें कंचे की तरह नीली चमकती हुई, बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली।
हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, क्योंकि गिलहरी जातिवाचक शब्द है, लेकिन वो कहते हैं हमने उसे व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। जैसे उसे वो क्या कहने लगी, उसे गिल्लू कह के पुकारने लगी, गिलहरी से गिल्लू बना दिया। जातिवाचक संज्ञा भी है और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है गिल्लू, तो गिल्लू व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया, तो इस तरीके से वो गिल्लू कह के पुकारने लगी। फिर उन्होंने क्या किया, एक फूल की डलिया रखी जिसमें फूल रखे जाते हैं, उसमें उन्होंने रुई बिछा दी और उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, यानी उसके रहने का स्थान निश्चित कर दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, यानी 2 साल तक जिंदा रहा गिल्लू, और वह स्वयं हिलाकर अपने झूले में झूलता और कांच के मनकों की, मनकों माने मोतियों जैसी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक उपाय खोज निकाला। वो मेरे पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से नहीं उतरता। यह उसका दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ ना लेती, यानी वो गिलहरी को, गिलहरी जो थे महादेवी को का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार से करता था शैतानिया कि महादेवी वर्मा को अनायास ही उसे उठाना ही पड़ता था और बरबस हो जाती थी उठाने के लिए। बरबस मतलब जबरदस्ती उसको उठाना ही पड़ता था वो उसको ध्यान देने के लिए। फिर क्या करती थी उन्होंने बताया, कभी कभी तो क्या होता था, गिल्ली को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि अगले पंजों और सिर से अतिरिक्त सारा लघु शरीर जो था वो लिफाफे के भीतर बंद हो जाता था, यानी पूंछ की तरफ से वो गिलहरी को, गिल्लू को लिफाफे में डाल दिया करता था। और इसी अद्भुत स्थिति में वो घंटों मेज पर बैठा रहता था और दीवारों के सहारे खड़ा होकर अपनी चमकीली आंखों से मेरे कार्यकलाप को देखा करता था, मेरे यानी महादेवी वर्मा के। भूख लगने पर चिक चिक करके वो मानो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। प्रथम बसंत यानी यौवनावस्था आ गई, पहली बार उसके जीवन में यौवनावस्था जब आई तो उसने नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी, यानी आकर्षण इतना बढ़ गया कि जो गिलहरियां थी बाहर की वो खिड़की के पास आती और खिड़की पे जाली लगी ही थी और वो अपनी भाषा में न जाने गिल्लू से क्या क्या कह जाती। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते हुए देख मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। उन्हें लगा अब ये युवावस्था को प्राप्त हो गया है, अब इसे खोल देना चाहिए, ऐसा उनके मन में आया। तो उन्होंने क्या किया कि कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इसी रास्ते से गिल्लू बाहर जाता और ऐसा लगता कि जैसे सचमुच मुक्ति की सांस ले ली है। इस इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी समस्या ही थी। अब छोटा जीव था, कुत्ते बिल्ली घर में पले हुए थे तो ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो कि ये इसे कोई नुकसान पहुँचा दें, इसका भी ध्यान उन्हें रखना पड़ता था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। जब वो बाहर जाती थी, सभी लोग जाते हैं तो अपना घर बंद कर जाते हैं, वो भी बंद कर जाती थी। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आता, यानी वो दिन भर बाहर घूमता रहता। जैसे ही महादेवी वर्मा अपने घर आती वो भी जाली के दरवाजे से वहीं कोने से वापस घर आ जाता और आ करके महादेवी जी के पैर से सिर तक और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता, यानी उनके ऊपर चढ़ता और उतरता, और उसका रोज का यही कार्यक्रम हो गया था। मेरे जाने पर, बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली से राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता, हर डाल पर कूदता उछलता और ठीक 4 बजे जब वो वापस लौटती वो घर के अंदर आ जाता और झूले में झूलने लगता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई, यानी मुझे चौंका देता था, रह रह कर कुछ ऐसी हरकतें कर देता था कि महादेवी वर्मा चौंक जाती थी। कभी कभी क्या होता था, फूलदान के बीच में छुप जाता था फूलों में, और कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोनजुही की पत्तियों में छुप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। आपने पढ़ा होगा मेरा परिवार जो है सोना, आपने 8th क्लास में पढ़ा था, उसमें भी ये था कि हिरण का बच्चा था। तो इस तरीके से सब रेखा चित्र काल्पनिक है, पशु पक्षी वास्तव में उनके पास कुछ ऐसा नहीं था। तो वो जब
वापस घर आती थी तो वो आ जाता था और बहुत सारे पशु पक्षी थे, परंतु गिल्लू के साथ उनका लगाव बहुत अधिक था। बताती हैं कि वो मेरे साथ एक थाली में खाता था, यानी किसी की हिम्मत नहीं थी, परंतु गिलहरी का जो बच्चा था, जो गिल्लू था, वो उनकी थाली में आकर के आके खाता था, यानी वो एक अपवाद था, ये उन सबसे अलग था। खिड़की से निकालकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वो मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वो अन्य चीज़ें खाने लेना बंद कर देता था या फिर उसको झूले के नीचे फेंक दिया करता था। यानी जो उसे पसंद था वो उसे अगर कई दिन तक ना दिया जाए तो वो और चीज़ें भी खाना पसंद नहीं करता था और अपना रोष प्रकट करता था, गुस्सा प्रकट करता था, उनको वो फेंक दिया करता था। उसी बीच में क्या होता है, एक दुर्घटना होती है। दुर्घटना में महादेवी वर्मा को कई दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता। उन दिनों जब वो अस्पताल में थी तो जब कमरा खोला जाता था तो गिल्लू अपने झूले से उतर कर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देख कर अपने घोंसले में जा बैठता। सब लोग उसे काजू दे जाते क्योंकि उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था तो उसे दे जाते, लेकिन जब वो अस्पताल से लौटी, उन्होंने झूले की सफाई की तो उन्होंने बहुत सारे काजू भरे मिले। इससे इनको ये पता चला कि वो काजू उनकी अनुपस्थिति में खाता ही नहीं था, जबकि वो उनका प्रिय भोजन था। और जब तक वो बीमार रहीं, वो उनके तकिए के पास सिरहाने में बैठकर नन्हे नन्हे पंजों से महादेवी वर्मा के सिर और बालों को इतने हौले से सहलाता था कि एक हटना, उसका हटना एक परिचारिका के हटना के समान हो जाता था। परिचारिका यानी जो नर्स होती है, जैसे नर्स उसके पास बैठी रहती है मरीज के पास, वैसे ही गिल्लू जो है महादेवी वर्मा के पास बैठा रहता था और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों और उनके सिर को सहलाता रहता था। गर्मियों में जब दोपहर में मैं काम करती, मैं कौन, महादेवी वर्मा, काम करती तो गिल्लू बाहर न जाता क्योंकि गर्मी थी, न झूले में बैठता, गर्मी के कारण जो है झूले में भी नहीं बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोजा। अब वो क्या करता था, मेरे पास एक सुराही पर लेट जाता था, सुराही में पानी भरा जाता। आप जानते हो गर्मियों में ठंडे पानी के लिए उस समय फ्रिज वगैरह नहीं होता था तो सुराही घड़े भरे जाते थे, सुराही में पानी ठंडा रहता था और गिल्लू जो था उसी सुराही पर जाकर लेट जाता और इस प्रकार वो उनके पास भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि लगभग 2 वर्ष होती है और गिल्लू का अंतिम समय आ गया, यानी 2 साल का हो गया। एक दिन क्या हुआ कि उसने दिन भर कुछ नहीं खाया और ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी उसने झूले से उतार लिया और बिस्तर पर आया, ठंडे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। यानी जब उसका अंतिम समय आया तो वो झूले पर भी नहीं रुका और कहीं नहीं डर गया और सीधे महादेवी वर्मा के पास आया और उनकी उंगलियों को वैसे ही थाम लिया जैसा उन्होंने उसे शैशवावस्था में पाया था और वो चिपक गया। धीरे धीरे पैर इतने ठंडे होते, पंजे इतने ठंडे होते जा रहे थे कि महादेवी वर्मा ने उसके लिए हीटर लगाया, उसको गर्म करने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो अपने जीवन को में जागने के लिए सो गया। यानी जब उसका अंतिम समय आया, जितना प्रयास किया गया फिर भी वो बचा नहीं और उसने अपने जीवन की अंतिम सांस पूरी कर ली। महादेवी वर्मा ने क्या किया, जब गिल्लू नहीं रहा तो उन्होंने झूला उतार के रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली से उस पार चिक चिक करती रहती और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता, यानी समय अपने अनुसार चलता ही रहता। गिलहरियों को यह आभास नहीं था कि गिल्लू अब नहीं है, वो वहाँ पर आती ही रहती थी। इस तरीके से महादेवी वर्मा जी ने उस गिल्लू के जीवन का जो अंतिम क्षण था, जब सांस ले ली उसने, तो उसे ले जा करके सोन जूही की लता के नीचे उसकी समाधि बना दी, इसलिए कि वो सबसे प्रिय लता उन्हें थी और वो उसका लघुगात किसी बसंती दिन जूही के पीलाब माने पीले छोटे फूलों में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था, ऐसा महादेवी जी ने बताया कि ऐसा लगता था कि मैं उसे वहाँ रख दूंगी तो वो जब भी कभी कली खिलेगी तो मुझे उसकी याद आती रहेगी। अब इसमें करना क्या है, आपको कुछ पैराग्राफ हम आपको दे रहे हैं, उन पैराग्राफ में क्वेश्चन है, जैसे पाठ का नाम, लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या और इसी तरीके से कुछ उसी पैराग्राफ से प्रश्न है जो उसी में से छांटकर आपको लिखने हैं।
हम पहले भी आपको बता चुके हैं इसके संदर्भ में, तो वैसे ही ये इसमें भी आपको काम करना है।